गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू विद SST चैप्टर 4, हाउस वी लिव इन। सो चेक आउट योर माय सेमेस्टर बुक 2A एंड ओपन द पेज नंबर 185। ओपन द पेज नंबर 185, चैप्टर 4, हाउसेस वी लिव इन, घर जहाँ हम लोग रहते हैं। Now I am going to explain this chapter. Shelter is a basic need of man. Shelter मतलब आश्रय, जहाँ हम रहते हैं, घर, वो क्या है, बेसिक नीड है। किसकी? पीपल की, लोगों की बेसिक नीड है। We take shelter in houses. हम लोग कहाँ रहते हैं? हाउसेस में रहते हैं, घरों में रहते हैं, आश्रय लेते हैं। A house protect us from, हमें हाउस किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? हीट, गर्मी, कोल्ड, सर्दी, बैड वेदर मतलब आंधी तूफान, बैड वेदर, थीव्स, चोर, डाकू, इन सब से। स्ट्रे एंड वाइल्ड एनिमल, स्ट्रे मतलब जो पशु आवारा घूमते हैं, लाइक डॉग्स, जो हार्मफुल होते हैं, एंड वाइल्ड एनिमल एंड जंगली जानवरों से हमें हाउस प्रोटेक्ट करते हैं। वी फील सेफ इन आर हाउस, हम अपने घर में कैसा फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। वी विल डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, हम अलग अलग तरह के हाउसेस बनाते हैं, लाइक हट, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हट। हट्स आर सीन इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस, हम लोग हट कहाँ पर देखते हैं, हट मीन्स झोपड़ी, ये हम लोग कहाँ देखते हैं, गाँव में, अक्सर गाँव में झोपड़ी टाइप के घर होते हैं। दे आर वीक हाउसेस मेड विद मड एंड स्ट्रॉ, ये कैसे हाउस होते हैं, ये वीक बहुत कमज़ोर हाउस होते हैं, कच्चे, इनको कहते हैं कच्चा घर, कच्चे हाउस या कच्चा घर। दे आर वीक हाउसेस मेड विद मड एंड स्ट्रॉ, ये किससे बने रहते हैं, मड मतलब मिट्टी और स्ट्रॉ के द्वारा बने हुए होते हैं, और ये हाउस बहुत ही कच्चे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए इनको कच्चा हाउस भी कह सकते हैं, इनको हट्स कहते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन स्ट्रॉन्ग हाउसेज, ज़्यादातर पीपल कैसे घर में रहते हैं, जो हाउस स्ट्रॉन्ग होते हैं, पक्के बने हुए होते हैं, ज़्यादातर पीपल स्ट्रॉन्ग हाउस में रहते हैं। हाउसेज मेड ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड कंक्रीट आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट, जो हाउस होते हैं, जो पक्के हाउस, जो स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं, उससे बने हुए होते हैं। वुड मीन्स लकड़ी, ब्रिक मीन्स ईंट, यू कैन सी ब्रिक, सीमेंट, सैंड मीन्स रेत, वुड एंड स्टील रॉड्स। सो हाउसेस मेड ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड कंक्रीट आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट, जो परमानेंट और जो स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, वुड से, लकड़ी से, ब्रिक्स, ईंट से, कंक्रीट से बने हुए होते हैं। दे लास्ट लॉन्गर देन अदर हाउसेस, ये कैसे हाउस होते हैं, ये लंबे समय तक चलने वाले हाउस होते हैं, इनकी ये काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहते हैं, ये टूटते फूटते जल्दी नहीं हैं। कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल स्टोन्स एंड सीमेंट, कंक्रीट क्या चीज़ होती है, कंक्रीट होती है इस छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, और सीमेंट का मिक्सचर होता है, जिसको कंक्रीट कहते हैं। हाउसेस मे बी सिंगल स्टोरेड हाउस, डबल स्टोरेड और मल्टी स्टोरेड हाउस जो होते हैं, वो एक मंजिल हो सकते हैं, दो मंजिल हो सकते हैं, और मल्टी स्टोरी मतलब एक के ऊपर कई मंजिल हो सकती हैं। सम पीपल लिव इन अपार्टमेंट, कुछ लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट हैव फ्लैट्स बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ अदर, अपार्टमेंट में क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो एक के ऊपर एक बने हुए होते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अपार्टमेंट, वन बाय वन एक के ऊपर एक बने हुए हैं। दिस इज बंगलो एंड फार्म हाउस।
सम पीपल लिव इन ब्यूटीफुल बंगलोज, कुछ लोग बहुत सुंदर बने हुए बंगलों में रहते हैं। यूजुअली सिंगल स्टोरीज विद लॉन अराउंड देम, यूजुअली बंगलों कैसे बने हुए होते हैं, सिंगल स्टोरीज होते हैं, मीन्स एक मंजिल बने हुए होते हैं और उनके चारों तरफ बहुत खूबसूरत सा लॉन होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, लॉन बना हुआ होता है। सम पीपल ऑल्सो बिल्ड फार्म हाउस, कुछ लोग फार्म हाउस भी बनाते हैं। दीज ऑल आर परमानेंट और स्ट्रॉन्ग हाउसेज। टाइप्स ऑफ टेम्परेरी हाउस, अब हम लोग टेम्परेरी हाउस के बारे में जानेंगे। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, जो टेंट होता है वो किस कपड़े का बना हुआ होता है, कैनवास का बना हुआ होता है। इट इज़ वेरी इजी टू सेट, और इसको सेट करना बहुत इजी होता है। इट कैन बी कैरीड इजीली टू अनदर प्लेस, इसको बहुत इजी होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाना। इट इज़ यूज्ड मोस्टली फॉर कैंपिंग, और इसका यूज़ ज़्यादातर कौन करते हैं, जो लोग कैंप लगाते हैं, कैंप में जाते हैं, ज़्यादातर टेंट हाउस का यूज़ करते हैं। बिकॉज इट इज़ टेम्प्रेरी हाउस एंड इट इज़ वेरी इजी कैरीड इजीली टू अनदर प्लेस, दिस इज टेंट हाउस। Houseboat. A houseboat is a house that floats on water. Houseboat क्या करती है, water के ऊपर float, मतलब water के ऊपर चलती है। Houseboat पानी के ऊपर चलती है, उसके ऊपर बहती है। It is made of wood. ये किसकी बनी हुई होती है, It is made of wood. ये लकड़ी की बनी हुई होती है। Some people in Kashmir live in houseboats. कुछ लोग जो कश्मीर में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, Houseboats में रहते हैं। नेक्स्ट आ कारावान, कारावान इज अ हाउस ऑन व्हील। कारावान एक तरह का हाउस होता है जो किसके ऊपर होता है, व्हील्स के ऊपर बना हुआ होता है, लाइक पहियों के ऊपर बना हुआ होता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कारावान्स। इट कैन बी पुल्ड बाय एनिमल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको किसके द्वारा खींचा जाता है, पुल मीन्स खींचना, इसको खींचा जाता है एनिमल के द्वारा, किसी भी एनिमल में इसको ये एनिमल इसको खींचते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। लाइक आपने बैलगाड़ी देखी होगी जिसको खींचते हैं, कार्ट बनी हुई, कार्ट जिसको कहते हैं कारावान कहते हैं, ये व्हील के ऊपर बनी हुई होती है और इसको एनिमल के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर खींचा जाता है। इन सम कंट्रीज़ अ कारावान इज़ पुल्ड बाय अ कार, कुछ देशों में ये कारावान कार के द्वारा भी खींचा जाता है, जहाँ पर एनिमल का यूज़ नहीं करते वहाँ पर ये कार के द्वारा भी इसको खींच लेते हैं। अ हाउस ऑन स्टिल्स इज़ मेड वेयर इट रेन्स अ लॉट, ये जो हाउस होते हैं लाइक हाउस ऑन स्टिल्स लाइक पोल, ये हाउस पोल के ऊपर बने हुए होते हैं, क्योंकि इन जगहों पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ घरों में पानी बहने की, पानी भरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए ये हाउस पोल लाइक जिसको स्टिल्स कहते हैं इनके ऊपर बने हुए होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एंड इग्लू इज़ अ स्नो हाउस, इग्लू इज़ अ एन इग्लू, इट इज़ अ स्नो हाउस, एन इग्लू इज अ स्नो हाउस, इन्यूट्स लिव इन इग्लूज, इसमें जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं इन्यूट्स। एंड ये हाउस किसके बने हुए होते हैं, स्नो के बने हुए होते हैं। एन आइडियल हाउस, एक आइडियल हाउस क्या होता है, वॉट इज़ द आइडियल हाउस, कैसा होना चाहिए आइडियल हाउस, कैसा होना चाहिए। नंबर वन, शुड हैव प्रॉपर डोर्स एंड विंडो, should have proper doors and windows to allow sunlight and fresh air to enter the room. Proper house में क्या होना चाहिए, doors और window proper ऐसे होना चाहिए जो सूर्य की रोशनी, sunlight और fresh air को अंदर आने दें, room के अंदर अंदर enter करने दें। Doors and windows should have wire netting to stop flies and mosquitoes. Doors और window कैसे होने चाहिए, इनके ऊपर wire netting होनी चाहिए, मतलब net की जाली, नेट होना चाहिए जो किसको रोक सकें, फ्लाइज मक्खियां और मच्छरों को अंदर आने से जो रोक सकें। नेक्स्ट नंबर टू, शुड हैव सेपरेट रूम फॉर डिफरेंट पर्पस, नेमली स्लीपिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। एक जो आइडियल हाउस होता है उसमें क्या चाहना चाहिए, डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूम होने चाहिए, लाइक
स्लीपिंग रूम मींस बेडरूम, कुकिंग मींस किचन, किचन होना चाहिए जहाँ पर लोग मम्मी आपकी खाना बनाती हैं उसको किचन कहते हैं, कुकिंग के लिए अलग प्लेस होना चाहिए, एंड बाथरूम मींस वॉशरूम होना चाहिए। नेक्स्ट शुड हैव इनफ वाटर सप्लाई और प्रॉपर पानी की सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, पानी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी की निकासी, पानी के बाहर निकलने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। शुड हैव शुड बी शुड बी अवे फ्रॉम फैक्ट्रीज और किससे दूर होना चाहिए, फैक्ट्रीज से दूर होना चाहिए ताकि वहाँ का जो धुआँ है वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। शुड हैव एन ईजी एसेस टू स्कूल प्लेस टू वर्क एंड द मार्केट और कैसा होना चाहिए, जहाँ से स्कूल भी पास हो, बहुत दूरी पर स्कूल ना हो, प्लेस ऑफ वर्क जहाँ से आपके काम करने का जो काम जहाँ पर आप करते हैं, आपके पेरेंट्स काम करते हैं वो बहुत दूर ना हो, एंड मार्केट भी दूर ना हो। घर ऐसा होना चाहिए जहाँ से आप इजीली स्कूल पहुँच सकें, अपने वर्क ऑफ प्लेस पर पहुँच सकें, एंड मार्केट में पहुँच सकें। शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड अर्थक्वेक प्रूफ और कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अर्थक्वेक मतलब भूकंप से प्रूफ होना चाहिए, अर्थक्वेक प्रूफ होना चाहिए ताकि भूकंप आए तो आपकी बिल्डिंग पर कोई भी असर ना पड़े। शुड लुक अट्रैक्टिव और कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए। मैनी पीपल हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस, बहुत सारे लोग मिलकर एक घर को बनाते हैं, क्या एक लोग या दो लोग मिलकर घर बना सकते हैं, नो नेवर। मैनी पीपल हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है एक घर को बनाने के लिए। एन आर्किटेक्ट मेक्स अ प्लान फॉर द हाउस, एक आर्किटेक्ट जो क्या होता है घर का प्लान बनाता है, उसको ड्रॉ करता है, उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं। एन आर्किटेक्ट मेक अ प्लान फॉर द हाउस। एन इंजीनियर सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और इंजीनियर क्या करता है, उसको सुपरवाइज करता है कंस्ट्रक्शन हाउस को बनाने में, उसको सुपरवाइज करता है लोगों को, उसको जो आर्किटेक्ट जो प्लान बनाता है उसको सुपरवाइज करता है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड मटेरियल एंड लेबर्स फॉर बिल्डिंग अ हाउस और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, मटेरियल और लेबर को अवेलेबल कराता है हाउस को बनाने के लिए। द लेबर्स हेल्प इन कैरिंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल, जो लेबर होती है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लेबर, लेबर क्या करती है, हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है, ब्रिक्स मतलब ईंटों को और अदर मटेरियल को उठाकर वो ऊपर तक पहुंचाती है, उसको कैरी करने में हेल्प करती है। ब्रिक लेयर मींस मॉसून, ब्रिक लेयर मींस मॉसून कंस्ट्रक्ट्स द ब्रिक वॉल और जो मॉसून होता है वो क्या करता है, एक के ऊपर ब्रिक लेयर बनाता जाता है, वॉल ब्रिक लेयर को बनाकर वॉल को तैयार करता है, उसको कहते हैं मॉसून। द कारपेंटर मेक्स विंडोज़ एंड डोर फ्रेम्स और कारपेंटर क्या बनाता है, विंडो खिड़कियाँ बनाता है, डोर फ्रेम और दरवाजे के फ्रेम को तैयार करता है। द प्लम्बर फिट्स पाइप्स एंड टैप्स, प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर करता है पाइप और टैप्स मीन्स नल को, नल फिट करते हैं। द इलेक्ट्रिशियन परफॉर्म द वर्क रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फिटिंग और इलेक्ट्रिशियन का क्या काम होता है, लाइट्स फैन इन सबको फिटिंग करना, ये इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। इलेक्ट्रिकल जितने भी वर्क होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है, ये कौन करते हैं, इलेक्ट्रिशियन करते हैं। द पेंटर पेंट्स द वॉल एंड वुड वर्क और पेंटर क्या करते हैं, वॉल को पेंट करते हैं और वुड वर्क भी करते हैं।